वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, 61 वर्ष की आयु में कमाल खान का निधन हो गया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। लखनऊ स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक की वजह से कमाल खान का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो चुका है। 61 वर्ष की आयु में कमाल खान का निधन हो चुका है और उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक की वजह से वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो चुका है। और इसी के साथ में हमारे साथ जुड़ चुके चंद्रशेखर त्रिशूल जी, राजनीतिक संपादक। त्रिशूल जी, एक बहुत ही दुख की खबर है कि एक वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो चुका है। बिल्कुल, हिंदी के हार्टलैंड में, हिंदी के हार्ट को, पत्रकारिता के हार्ट को जिंदा रखने वाला एक ऐसा नाम, और आज सुबह अचानक कमाल खान का निधन हो जाना, ये एक ऐसी अपूरणीय क्षति है पत्रकारिता के लिए। अपनी विशिष्ट आवाज और अपनी विशिष्ट रिपोर्ट्स के जरिए कमाल खान को पूरे देश में जाना जाता रहा और हिंदी पत्रकारिता का एक ऐसा सशक्त नाम जिसकी रिपोर्ट्स देखकर और जिन्हें सुनकर महसूस करके बेलाग पत्रकारिता, बिल्कुल एक ऐसी पत्रकारिता कि भूतो न भविष्यति, और आज उसका एक ऐसा कहीं पंच तत्वों में, कहीं ईश्वर में विलीन हो जाना, ये अकल्पनीय है, लेकिन बहुत ही दुखद समाचार है। विश्वसनीय, मतलब विश्वास नहीं होता कि कैसे ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये अपूर्णीय क्षति है पत्रकारिता के लिए। और निश्चित रूप से कमाल खान, बहुत कम ऐसे कमाल खान पत्रकार बन पाते हैं कमाल खान जैसे, और ये बहुत मुश्किल से होता है कमाल खान बन जाना, कमाल खान हो जाना। ये बहुत गहरा दुख का भी समय और ऐसी क्षति जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। लगातार पहले विनोद दुआ का जाना और अब इस नए साल में ये आज के दिन कमाल खान का चला जाना, निश्चित रूप से इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता किसी व्याकरण में, और ये एक ऐसा दुख है जिसको सिर्फ सहन किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल त्रिशूल जी, ये तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा दुख की बात है। और इसी के साथ में शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ में, ये जो बातें थी कमाल खान से जुड़ी जो आपने शेयर की, आपको बता दें कि एक वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो चुका है और इससे पूरे मीडिया इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य से एक अपनी छवि बनाई थी। साल के 365 दिन, 24 घंटे और सातों दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज, जियोटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।